नमस्कार दोस्तों, शायद इस दुनिया में माँ से बड़ा कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं है। हम सब बहुत लकी हैं कि हमको माँ का प्यार मिला है, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं, या बच्चों के माँ बाप उन बच्चों को ही त्याग देते हैं और इन मासूम बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने ऐसे कई अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन बच्चों को माँ का प्यार दिया। जी हाँ, वो महान माँ का नाम है सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघे गांव में हुआ था। वो बचपन से ही अपने पिताजी के बहुत करीब थी। उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे था। उनके पिताजी पेशे से एक चरवाहक थे। सिंधुताई को बचपन से ही घर में अन्य लोगों द्वारा नापसंद किया जाता था, क्योंकि वो एक लड़की थी और उनकी माँ को एक बेटा चाहिए था, इसलिए घर में उनको सब चिंधी नाम से पुकारते थे। चिंधी का अर्थ होता है कपड़े का फटा टुकड़ा। परंतु उनके पिताजी सिंधु को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो सिंधु की माँ के खिलाफ जाकर सिंधु को पाठशाला भेजते थे। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि होने के बावजूद वह पारिवारिक जिम्मेदारियों और जल्द शादी के कारण चौथी कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। उन्होंने 10 साल की उम्र में 31 वर्षीय व्यक्ति से शादी कर ली थी। उनका पति हर दिन उनके साथ मारपीट करता था और अंत में उसे 9 महीने की गर्भवती होने पर घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद सिंधुताई ने अपनी बेटी को जन्म एक गाय के आश्रम में दिया था और उन्होंने उस वक्त अपनी गर्भनाल को एक पत्थर से काट दिया था। सबसे दुख की बात तो यह है कि जब वह अपनी माँ के घर गई, तब उनकी माँ ने उन्हें घर में शरण देने से भी इनकार कर दिया था। उस वक्त उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी और खाने के लिए भीख मांगती थी, और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए वो शमशान में रहने लगी। इस संघर्षमय जीवन में उन्होंने यह महसूस किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तब से उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वो उनकी माँ बनेंगी, और कहीं इन अनाथ बच्चों के संभालते वक्त उनकी ममता उनकी बेटी के प्रति ना आ जाए, इसलिए अपनी खुद की बेटी को एक ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। उन्होंने अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उनको देश की माँ कहा जाने लगा। वह ऊर्जा और जुनून से भरी महिला है। सिंधुताई हर मुश्किल का सामना करने के साथ मजबूत बनकर उभरी और आज 1400 से अधिक बच्चों की माँ बनी। उनके परिवार में आज 207 दामाद 36 बहुएं हैं, 1000 से भी अधिक पोता पोती हैं। आज कई लोग उनमें से इंजीनियर डॉक्टर और वकील हैं। सिंधुताई ने आगे चलकर अपने पति को भी स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब वो एक सिर्फ एक माँ है। आज वो गर्व से बताती हैं कि उनके पति सबसे बड़े बेटे हैं। सिंधुताई आज कविता भी लिखती हैं और उनकी कविता में पूरा उनका जीवन का सार होता है। इस नेक कार्य के लिए सिंधुताई को कुल 700 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनको आज हर जगह सम्मानित किया जाता है और वो एक प्रेरणा के रूप में कई जगह पर उनको भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हाल ही में उनको कौन बनेगा करोड़पति में आमंत्रित किया गया था और अमिताभ बच्चन ने उनके चरण स्पर्श करते हुए सिंधुताई का आशीर्वाद लिया था।